स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रमानुसार इतिहास टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं, साथ साथ टॉपिक के खत्म होने के बाद हम आपको उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं। तो इसी क्रम में आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन, जिसे आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले इस सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में हम देखते हैं। जो इसका काल निर्धारण वर्ष है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। क्या है? ईसा पूर्व जो कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तिथि है, क्योंकि यह तिथि रेडियोकार्बन 14 से निर्धारित की गई है, जो एक वैज्ञानिक प्रमाणित तिथि है। जॉन मार्शल ने इसकी जो काल निर्धारण की तिथि निश्चित की थी वह है 3250 से 2750 ईसा पूर्व, लेकिन प्रमाणिक जो इसकी तिथि है वह 2300 से 1750 ईसा पूर्व ही है। दूसरा खोज, तो सन 1826 में कराची से लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछाने की बात चल रही थी उसमें सर चार्ल्स मैशान ने उस क्रम में देखा कि जब वो रेलवे लाइन के लिए खुदाई करवा रहे थे तो कहीं छोटे छोटे ईंटे मिले, तो कहीं छोटी छोटी बस्तियों के साक्ष्य मिले, तो उन्हीं के निर्देशन में यह कार्य प्रारंभ हुआ था। इसके बाद उनके निर्देशन में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा तथा 1922 में राखदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसी के आधार पर सन 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की पुष्टि की कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कोई स्थल भारत में मौजूद है, क्योंकि उस समय हम देखते थे कि उस समय दो सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर चल रही थी वो थी मेसोपोटामिया सभ्यता और जो इराक की थी, और मिस्र की जो थी वो सुमेरियन सभ्यता थी। तो ये दोनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर चल रही थी। माना जाता था कि ये दोनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन है, लेकिन जब बाद में तिथि निर्धारण हुआ या और आगे तथ्यों की खोज की गई तो पाया गया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह हमारी सबसे प्राचीन थी। इस क्रम में हम देखते हैं इसके नामकरण। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके हम क्रमशः चार नामकरण निर्धारित करते हैं। पहला जो नामकरण है आपका वह है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा जो है आपका वह सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा जो आपका है वह ताम्रपाषाणिक सभ्यता, और चौथा जो है वह है कांस्य युगीन सभ्यता। तो प्रथम क्रम पर हम देखते हैं कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी, और यह स्थल जो आपका था पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में था। इस वजह से इसका नाम, चूंकि सर्वप्रथम इस स्थल की खोज हुई थी इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। दूसरा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि सिंधु घाटी, सिंधु जो आपकी नदी थी उसके आसपास के क्षेत्र में यह जो सभ्यता थी वह विकसित हुई थी, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे देते हैं। तीसरा जो है वह है ताम्रपाषाणिक सभ्यता। इस सभ्यता में हम देखते हैं कि तांबे के साथ साथ पत्थरों के औजार का प्रयोग चलता रहता है, इस वजह से इसको हम ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी कहते हैं। और जो आपका चौथा है वह है आपका कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब यह है कि कांसे के औजार प्रयोग में लाए जाते थे। तो इसके पहले जब हमने आपको मेटल एज बताया था, धातु युग बताया था, तो वहां हमने तीन युग आपको बताए थे,
सबसे जो पहला हमने आपको बताया था वह ताम्र युग था, दूसरा जो हमने आपको बताया था वह कांस्य युग था, और जो तीसरा जो हमने आपको बताया था वह था लौह युग। तो हमने आपको बताया था कि जो ताम्र युग थे वहां ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं ताम्र युग में, लेकिन जैसे ही हम कांस्य युग में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कांस्य युग में हमें शहरी बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात शहरी बस्ती के साक्ष्य जो सबसे प्रथम प्राप्त होते हैं वो कांस्य युग से प्राप्त होते हैं, और उसमें क्रमशः हम देखते थे बड़े बड़े नगरों का उदय माना जाता है, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, बनवाली, लोथल, कालीबंगा, ये सब हमने आपको बताया था। वहीं में हमने बताया था कि कांस्य युगीन सभ्यता में शहरी जो सभ्यता है उसके प्रमाण मिलते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे के क्रम में देखते हैं कि इसका विस्तार, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो क्योंकि पूर्व में आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत में हुआ करते थे, इसलिए जो इसका विस्तार है वो पाकिस्तान को हम जोड़ करके मानते हैं, अर्थात पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और भारत में, अर्थात अधिकतर इसके जो विस्तार स्थल हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में हैं। हम देखते हैं कि इसका आकार क्या है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का आकार है वह आपका त्रिभुजाकार है, और देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 12,50,000 वर्ग किलोमीटर लगभग निर्धारित किया गया है, प्रमाणित नहीं है क्योंकि अभी भी स्थलों की खोज जारी है, इसलिए ये लगभग है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,50,000 वर्ग किलोमीटर है। आप इस क्रम में देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है, तो हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर तो कम है, लेकिन पश्चिम से पूरब की तरफ इसका विस्तार ज्यादा है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसका विस्तार है वह है 1100 किलोमीटर, और पश्चिम से जो पूरब की तरफ इसका विस्तार है वह करीब 1600 किलोमीटर है, अर्थात पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी जो लंबाई वह कम है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये 1100 किलोमीटर है इसकी लंबाई, लेकिन पश्चिम से पूरब की तरफ 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम देखते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में जो इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे, अंतिम बिंदु थे, वे कौन कौन से थे, तो उत्तर में हम देखते हैं आपका मांडा आता है जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में जब हम जाते हैं तो दाइमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, पश्चिम में जब हम जाते हैं तो सुदकांगलोर जो कि बलूचिस्तान प्रांत का हिस्सा है वह वर्तमान में पाकिस्तान में है, और जब हम पूरब की तरफ जाते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो मेरठ में जिले में पड़ता है वहां तक इसका विस्तार है, अर्थात उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सुदकांगलोर बलूचिस्तान या पाकिस्तान, और जो आपका पूरब में है वह आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामान्य विशेषताएं क्या थी, तो सबसे पहले हम बताते थे कि कांस्य युग में नगरीय सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी, नगरीय सभ्यता इन द सेंस ऑफ शहरी सभ्यता, तो आइए हम देखते हैं कि इस सभ्यता की जो सामान्य विशेषताएं थी वो क्या है। नगरीय सभ्यता थी क्योंकि शहरी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, पूर्व और पश्चिम में टीलों में निवास पाए गए हैं, अर्थात टीले मतलब कुछ ऊंचाई के घर होते थे तो कुछ उससे थोड़ा नीचे घर होते थे, अर्थात जमीन से थोड़ा ऊपर कुछ घर और बस्तियां मिली हैं, जमीन से थोड़ा नीचे कुछ घर और बस्तियां मिली हैं, कच्ची और पक्की दोनों ईंटों के मकान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सड़क और नाली की व्यवस्था होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई भी सभ्यता शहरी सभ्यता है तो उसमें मकान व्यवस्थित होगा, सड़क व्यवस्थित होगा, जलमल की निकासी की उत्तम व्यवस्था होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी, व्यापार की व्यवस्था होगी, शिल्प और उद्योग धंधे विकसित श्रेणी में होंगे। तो अब इसके देखते हैं कि सड़क के किनारे दुकान लगाने की व्यवस्था थी, जैसे आजकल के टाइम में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत
सड़क के किनारे जो जगह होती है वहां आपको दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित करती है। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में भी सड़क के किनारे दुकान लगाने की व्यवस्था थी। आपको एक छोटे से क्षेत्रफल में जगह आवंटित कर दी जाती थी। घर बनाने के लिए आयताकार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में भी ईंटें आयताकार में ही हैं। खिड़की और दरवाजे गलियों में खुलते थे, अर्थात जो आपके खिड़की और दरवाजे थे वो सुरक्षा की दृष्टि से गलियों में खुलते थे। जल मल निकासी की उचित व्यवस्था थी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपकी जो इसमें सड़कें बनती थी वो समकोण अवस्था में बनती थी, अर्थात एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जैसे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। अर्थात जब हम उत्तर और दक्षिण की तरफ रेखा खींचेंगे, पूर्व और पश्चिम की तरफ रेखा खींचेंगे, तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। ये इसको हम आक्स फोर्ड प्रणाली बोलते हैं, क्योंकि जो सड़कें एक दूसरे को समानांतर जो है समकोण पर काटती हो उन्हें हम आक्स फोर्ड प्रणाली सड़क व्यवस्था कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क की जो व्यवस्था थी वो आक्स फोर्ड प्रणाली टाइप की थी। इसमें जो मुख्य सड़क थी, जो सबसे मेन, जिसको हम बोलते हैं कि हाईवे टाइप का, तो उसमें जो मुख्य सड़क थी उसकी चौड़ाई करीब 33 से 35 फुट हुआ करती थी। और आगे के क्रम में हम देखते हैं इसका सामाजिक जीवन कैसा था, अर्थात समाज का स्तर क्या था। तो समाज के स्तर में हम पाते हैं कि इसमें प्रमुखतया चार वर्ग थे। पहला विद्वान था, दूसरा व्यापारी था, तीसरा योद्धा था और चौथा आपका शिल्पी था, अर्थात मध्यम वर्ग, आपका उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। अर्थात हमारा जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह क्रमशः विद्वान, व्यापारी, शिल्प और योद्धा के रूप में वर्गीकृत था, या उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग की श्रेणी में वर्गीकृत था। अर्थात समाज का स्तरीकरण प्रारंभ हो चुका था। परिवार जो आपका था वह सामाजिक इकाई के रूप में था। तो जब भी समाज का स्तरीकरण प्रारंभ होगा तो कुल व्यवस्था अपने आप प्रारंभ होगी, अर्थात लोग अब परिवार में एक घर के सदस्यों के रूप में 5 से 6 या 7 सदस्य एक परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए परिवार एक इकाई के रूप में विकसित हो चुका था। मात्र सत्तात्मक सत्ता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे समाज में दो ही सत्ता है, या तो पितृ सत्तात्मक या फिर मात्र सत्तात्मक। तो जो मात्र सत्तात्मक सत्ता है वह सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि एक जगह मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, और मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं, कांसे वगैरह की जो मूर्तियां मिली हैं, मैक्सिमम जो है मातृ देवी की ही मूर्ति मिली है। इसलिए हम मानते हैं कि मातृ सत्तात्मक सत्ता के संकेत आपके सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं कि जो सामाजिक बुराई में सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि ऐसी कोई बुराई समाज में नहीं थी। मनोरंजन के साधन में पासा खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि था। शवों को दफनाया और जलाया दोनों जाता था। अर्थात जो हमारा सामाजिक जीवन है उसमें हमने कुछ विशेषताओं को पढ़ा। अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में कृषि एवं पशुपालन के साथ जो हमने आपको पहले ही पढ़ाए थे, जब लौरी पढ़ाया था, कांस्य पढ़ाया था, तो उसी में हमने आपको बताया था कि कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। कृषि में प्रमुखतया 9 फसलों के साक्ष्य पाए जाते हैं, जिसमें से गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, कपास है, तिल है, ऐसे ही करीब 9 फसलों के साक्ष्य कृषि में पाए गए। पशुपालन में भेड़ है, बकरी है, सुअर है, कुत्ता है आदि जानवर पाले जाते थे। कताई एवं बुनाई का जो व्यवसाय था वह प्रमुख व्यवसाय था। और इसी के साथ साथ में आपका जो आर्थिक जीवन है वह खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं उद्योग एवं तकनीकी। तो कताई और बुनाई, चूंकि ये शिल्प व्यवसाय है इसलिए ये उद्योग और तकनीकी में भी आ जाता है।
सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, क्योंकि आभूषण बनाने की कला मानव ने पहले ही धातु युग में सीख ली थी, इसलिए सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तीसरा जो सबसे प्रमुख इनका जो उद्योग था वह था ईंट बनाना, क्योंकि मकान कच्ची और पक्की दोनों ईंटों के मिलते हैं, इसलिए ईंट बनाने का व्यवसाय, कटाई और बुनाई का व्यवसाय, सोने चांदी के आभूषण बनाने का व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय था। तो आइए इन्हीं क्रम में हम देखते हैं एक बार फिर से सिंधु घाटी सभ्यता की समरी। तो इसका जो काल निर्धारण है वह 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। दयाराम सानी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, राखनदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, और 1924 में मार्शल ने यह पुष्टि की कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता भारत में विकसित थी। नामकरण हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ताम्रपाषाण की सभ्यता और काशी की सभ्यता। विस्तार इसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में। इसका जो क्षेत्र आकार है वह त्रिभुजाकार है, त्रिभुजा और क्षेत्रफल जो इसका है वह 12,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है वो करीब 1100 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई करीब 1600 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से स्थल हैं। तो क्रमशः देखते हैं कि उत्तर में आपका मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में आपका सुल्तानगढ़ बलूचिस्तान, और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सामान्य विशेषताएं, तो इस सभ्यता की जो सामान्य विशेषताएं थी, पहली बात तो यहाँ टीले बना करके लोग रहते थे, पक्की और कच्ची ईंटों के मकान होते थे, सड़क और नाली की उचित व्यवस्था होती थी, सड़क के किनारे दुकान लगाने की व्यवस्था थी, घर बनाने के लिए आयताकार ईंटों का प्रयोग किया जाता था, खिड़की और जो दरवाजे थे वह आपके गलियों में खुलते थे, जल मल निकासी की भी उचित व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन में आपके जो है वो चार वर्ग का पाए जाते थे, विद्वान था, व्यापारी था, योद्धा था और शिल्पी था। परिवार जो था वो सामाजिक इकाई के रूप में विकसित हो चुका था, मातृसत्तात्मक सत्ता का उदय हो चुका था, शवों को दफनाया और जलाया दोनों जाता था, सती प्रथा या पर्दा प्रथा जैसी कोई बुराई नहीं थी, मनोरंजन के साधन थे पासा खेलना, शिकार करना, मछली। आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि में प्रमुखतया 9 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तिल, चना और कपास जैसी फसलों के, तथा पशुपालन में भेड़ है, बकरी है, सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली आदि के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कताई और बुनाई के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उद्योग और तकनीकों में आपके छोटे छोटे औजार सरल किस्म के बनाए जाते थे, उच्च तकनीकी पे निर्भर थे, मतलब सुडोल बेहद अच्छे आकार के बनाए जाते थे। कताई और बुनाई भी एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में था। साथ साथ में मकान जो थे वो कच्चे और पक्की दोनों ईंटों के बनाए जाते थे, इसलिए ईंट बनाना एक प्रमुख व्यवसाय था, और ईंट जो आपकी होती थी वह आयताकार होती थी। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता में इन चीजों को देखा कि उसका काल निर्धारण किया गया, उसकी खोज किसने की, नामकरण किसके आधार पे किया गया, उसका विस्तार क्या है, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं, उसमें सामाजिक जीवन क्या है, आर्थिक जीवन क्या है, उद्योग और तकनीकी क्या है। यही आज हमारी ये अपनी क्लास खत्म होती है। इसके आगे कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम आपको 3 लेक्चर लेंगे, कल का क्लास और उसके एक बाद का क्लास। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनकी एक प्रश्नावली संग्रह हम आपको कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं इसी लेक्चर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट जरूर दें। मैं आपका सर मनोज कुमार मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।